आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। जीएसटी के विरोध में व्यापारी सड़कों पर। पूरे राज्य में लगन के मौसम में व्यापारियों का इस कदर बर्ताव व्यापारियों के लिए किसी आपदा से कम नहीं। लामबंद हुए व्यापारियों ने सड़क पर उतरना ही श्रेयस्कर समझा। बलदेव प्लाजा पर आज विरोध स्वरूप नारेबाजी की गई, तमाम व्यापारी सड़क पर उतरे। वहीं आम आदमी पार्टी महानगर अध्यक्ष और महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव भी इस आपदा की घड़ी में व्यापारियों के समर्थन में उतर पड़े। व्यापारियों द्वारा अपना पूरा टैक्स जमा करने के बावजूद सरकार और विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रदेश भर में एक साथ छापे डाले जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब से जीएसटी लागू हुई है, तब से टैक्स में बढ़ोतरी हर माह होती आई। बावजूद इसके व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए अधिकारी छापे डाल रहे हैं। सरकारें जब टैक्स बढ़ाने का निर्देश देती है, तब विभाग छापे डालना शुरू कर देती है। यह सरकार व्यापारियों को मारने का काम कर रही है। ये जीएसटी का छापा नहीं है, ये छापा सब हटा दीजिए, ये व्यापारियों को मारा जा रहा है। व्यापारियों को जिंदा ही मृत घोषित किया जा रहा है। आज व्यापारी जो अपने रोजी रोटी को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देता है, उसको भगेड़ू बना के छोड़ा गया है। दुकान बंद करके व्यापारी हमारे इधर उधर टहल रहे हैं। ये सरकार और ये सरकार की मशीनरी व्यापारियों में दहशत फैलाने पर लगी हुई है। हमारे एक नंबर के व्यापारी, आप पता कर लीजिए, एक दुकान से लास्ट दुकान तक किसी भी, आप पूरे गोरखपुर के व्यापारी सबका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ये लोग दहशत फैला रहे हैं। किसी के ऊपर 10 लाख, किसी के ऊपर 20 लाख, बिना सर पैर का जुर्माना ले रहे कर रहे हैं, और लास्ट में उनके दलाल उसको मैनेज करने पे लगे हुए हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और व्यापारियों के लिए जी जान से खड़े हैं, ताकि इनको अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो इस सरकार और सरकार की मशीनरी के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। देखिए, 15 तारीख तक टाइम क्या दिया गया है, व्यापारी तो 4 दिन में बर्बाद हो जाता है। अभी व्यापारी कोरोना की मार से उलझा निपटा, नोटबंदी से उलझा निपटा, तब तक ये लोग जीएसटी के नाम पे छापा डालना शुरू कर दिए। ये बहुत ही गलत इन लोगों ने किया है, और ये चेतावनी है सरकार को और इस सरकारी मशीनरी को। जिस व्यापारी के वोट से, नोट से तुम सरकार बनाते हो, उसी व्यापारी को तुम चोट दे रहे हो। ये व्यापारी एक एक तुम्हारी हरकतों को याद करके रख रहा है, क्योंकि व्यापारी का व्यापार नहीं चलता है तो वो मृत समान हो जाता है, और मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में आज की डेट में व्यापारी है। और इस सरकारी मशीनरी जो पुलिस के बल पे, जो प्रशासन के बल पे, जो गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, वो कतई व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इनके ईंट से ईंट बजाने के लिए आज व्यापारी तैयार है। और व्यापारियों, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, बिना डरे, बिना रुके, बिना खाओ के अपनी वाजिब बातों को इनके सामने रखो, ये तुम्हारा कुछ न उखाड़ पाएंगे न कुछ बिगाड़ पाएंगे। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्रीराम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से।
नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय एडी चौक जुबली रोड गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।